हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल न्यू एमित राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जो कक्षा और 10वीं 12वीं 11वीं क्लास के जो राजीव गांधी करियर पोर्टल है उसमें लॉगिन कैसे करते हैं। यहाँ पे जो छात्र की यूनिक आईडी में लॉगिन पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है, उनकी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ती है और यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन मिलते हैं, जैसे आपकी योजना करियर के लिए और यहाँ पे छात्रवृत्ति के लिए भी आपको, और आपकी जो जो वैकेंसी वगैरह निकलती है उनकी जो आपको एलिजिबलता हिसाब से होती है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन कर दिया जाता है कि आपकी ये भर्ती निकली हुई है, आप कर सकते हो। तो उसको किस तरह से लॉगिन करें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने पहले आपसे गुजारिश करूंगा, जो हमारा चैनल है न्यू मित्र राजस्थान, इसको सब्सक्राइब करने से रेड वाले बटन पर क्लिक करिए, बस इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ई मित्र और सीएससी के लिए आपकी जानकारी मिल पाई। आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो न्यू मित्र राजस्थान की। तो दोस्तों, इसका जो आईडी पास है यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे जिस साइट को हम ओपन करते हैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे बताया गया राजस्थान के राजीव गांधी करियर गाइड्स पोर्टल में आपका स्वागत है। विद्यार्थी यूनिक आईडी, शाला दर्पण आईडी और स्कूल रजिस्टर नंबर से मिलकर बनता है, यानी शाला दर्पण आईडी स्कूल के रजिस्टर नंबर होते हैं जो स्टूडेंट के, उनसे मिलकर ये आईडी बनती है। और अगर आपको ये आईडी पासवर्ड आपको पता नहीं है तो आपने जो प्रधान या आपके जो शिक्षक महोदय है या जो आपके प्रिंसिपल, उनसे आप पा सकते हो। तो हम यहाँ छात्र यूनिक आईडी डालते हैं फिर पासवर्ड डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे छात्र की यहाँ पे डाल देते हैं और फिर उनके जो भी पासवर्ड है पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे डालते हैं फिर लॉग इन बटन में क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये अभी मैच नहीं करेंगे पासवर्ड मेनली टू यू। तो हम चलिए यहाँ पे और फिर लॉग इन से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे प्लीज वेट यू डायरेक्ट योर डैशबोर्ड, यानी हमारा पासवर्ड सही मैच हो चुका है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट बार आप लॉग इन करोगे स्टूडेंट कहाँ पे अभी पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोफाइल आईडी भी कर सकते हो आप यहाँ पे दोस्तों, बेल आइकन भी मिल जाएगी जानकारी। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे जिनका नाम यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे प्रोफाइल, मेरा करियर, प्रोफाइल एडिटिंग, पासवर्ड, आपको यहाँ पे आ जाना पहले दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल आएगा दोस्तों यहाँ पे, सबसे पहले प्रोफाइल को यहाँ पे आपको क्रिएट कर आपको देखने को मिल जाएगा कौन सी डेट यहाँ पे आप अभी तक नहीं भरी थी, जो भी डिटेल आपकी भरी नहीं है वो आपको पहले भरनी पड़ती है। तो जैसे आप नीचे मेरा करियर पे आप क्लिक करोगे, पहले आप प्रोफाइल बता दिया कि आपकी कितनी अपडेट है नहीं है, तो आपको अपना देश चुनना, राज्य और शहर जो भी चुन के यहाँ पे कर लेना है। फिर नीचे जैसे करोगे कोर्स का चयन, यानी स्कूल पूरा करने के बाद 10वीं 12वीं आप किस तरह कोर्स करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे दे सकते हो कक्षा 12वीं 12वीं के बाद 3-4 साल डिग्री कोर्स, या कक्षा 10वीं 12वीं बाद 6 महीने 3 साल तक डिप्लोमा रोजगार देने वाला कोर्स, इसको आप सेलेक्ट करोगे। फिर नीचे डिग्री या डिप्लोमा आधारित, वो आप करने के बाद दो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फिर आप यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी चाहते हो करके आप सेव चेंज पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे ही आपके माय करियर चॉइस यहाँ पे आपको क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद नीचे प्रोफाइल एडिटिंग एडिट करें, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करना है, वैलेंटरी है तभी जाके आपका ये जो सर्विस योजना राजीव गांधी के द्वारा यहाँ पे चलाई गई आप कर पाओगे। तो आपको आप पर्सनल डिटेल में अपना नाम पता डालना है, फिर मेल फीमेल कैटेगरी डालनी है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर अपना फोटो अपलोड करना है, फिर अपना ईमेल या फिर जो स्टाफ मार्क दिख रहा है वो देना कंपलसरी इसमें, फिर मोबाइल नंबर, सिटी, फिर नीचे आ जाता है आपको चूज योर टाइप, यानी गवर्नमेंट आप स्कूल टाइप क्या है आपकी, जो चूज योर प्राइवेट है तो आप सिलेक्ट कर लेना है, क्लास कौन सी है, स्ट्रीम यानी आर्ट जो भी आपकी। फिर यहाँ पे दोस्तों यू आर प्रवेश योर, आपको जो सही लगे यस नो करके, इस तरह से दोस्तों आपको नीचे पूरी पूरी डिटेल यहाँ पे बढ़नी रहती है। यहाँ पे मिल जाएगा आप किस तरह से कोर्स करना चाहते हो, यानी क्या करना चाहते हो, कौन से भाग लेना चाहते हो, क्या पसंद है वगैरह करके आपको नीचे अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, फिर से यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, भुगतान लॉग आउट, फिर से डैशबोर्ड पे चलेंगे आपको लेंगे। जैसे हम डैशबोर्ड यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे करियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी, छात्रवृत्ति प्रतियोगिता और सेल्फी संबंधी जानकारी। जैसे छात्रवृत्ति आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आप किस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल हो, किसके लिए नहीं हो, या फिर नॉट योर एनुअल करके, तो आपको जहाँ पे स्टार ग्रीन वाला दिख रहा है इसलिए आप एलिजिबल हो, तो इसको व्यू करके आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरह से कौन से परसेंटेज होने चाहिए, तो ये आपको पूरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप स्टूडेंट वाला भी कर सकते हो। और जैसे दोस्तों यहाँ पे प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी प्रवेश परीक्षा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो पोर्टल बनाया गया है स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल काम आने वाला है, इससे अपनी जो आगे भविष्य का आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपको क्या आगे बनना है क्या नहीं करना, वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया किस तरह से लॉग इन करना है, क्या प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर कर देना और आपके जो भी कमेंट है सवाल है तो कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन को दबाना, सब्सक्राइब।